चर्चित रहा। जिले का परिवहन विभाग एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार भी इसकी वजह ओवरलोडिंग का खेल ही बताया जा रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग परिवहन विभाग में तैनात एक सिपाही पर हमला करते दिखाई दे रहे हैं। यही नहीं, सिपाही को चारों तरफ से घेर करके बुरी तरीके से पीटा भी जा रहा है। पूरे मामले पर वीडियो वायरल होने के बाद एआरटीओ ने डीएमएसपी से मामले की शिकायत करी। वहीं स्थानीय पुलिस सीमा विवाद में फंसी हुई। दरअसल ये पूरा मामला गुरुवार का है जहां पर इस वीडियो में चंदौली परिवहन विभाग की एक टीम मुगल सराय वाराणसी बॉर्डर पर चेकिंग कर रही थी। इस दौरान उन्होंने एक खड़ी ट्रक का दरवाजा तोड़ करके उसे अपने कब्जे में लेने की कोशिश करी, जिसका लोगों ने विरोध किया। इस हड़बड़ी में बालू लदा ट्रक पलट गया और इसके बाद मौके पर मौजूद सिपाही को वहां पर मौजूद बालू माफियाओं ने घेर लिया और ईंट पत्थर से हमला करने लग जाते हैं। घटना के दौरान सिपाही को गंभीर चोटें भी आई हैं। यात्री कर अधिकारी के पद पर कार्यरत हूं, राजेश्वर कुशवाहा मेरा नाम है। कल हम लोग दोपहर में प्रवर्तन कार्रवाई कर रहे थे जिसमें दो ओवरलोड गाड़ी मुगल सराय के औद्योगिक नगर पुलिस चौकी में हम लोग बंद किए थे। अब बंद करने के पश्चात चंदौली की तरफ आ रहे थे तो उसी अंडर कटरिया अंडर पास पास के पास एक ट्रक आती हुई दिखाई दी, जिसको हम लोगों ने देखा कि वो देखने में ओवरलोड प्रतीत हो रही थी, पूरा बालू फूल लदा हुआ था। तो तुरंत हम लोग उसको, हमारा सिपाही संकेत दिया रुकने के लिए, तो वो गाड़ी थोड़ी देर आगे जा करके 10-20 मीटर आगे जा कर रुका। 1 फरवरी को वित्त मंत्री